वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको नई अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। और ये वीडियो रिलेटेड है बाइक लवर से, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों को हो तो हमें वहाँ पर जाके जल्दी से फॉलो करो, लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और हमें वहाँ पे आप लिंक्स वगैरह और भेज बात वगैरह कर सकते। तो इंटर पे आ जाते हैं। मेरा नाम मुजाहिद है, मैं हूँ वशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी मस्त है। तो वीडियो का टाइटल है टॉप 5 बेस्ट अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया 2020। मतलब लॉन्च डेट बताई गई है, प्राइस बताई गई है उनकी, मतलब जो अपकमिंग बेस्ट बाइक्स आने लगी हैं इंडिया में। इंडिया की बाइक्स की वैसी कमाल होती हैं यार, ये बात है। हो जाए तो जल्दी से पहले देखते हैं। MRD व्लॉग का वीडियो है, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। सो हेलो ओसियर, कैसे हो आप सब लोग। से आज की वीडियो में जो है बात करने वाले हैं टॉप 5 अपकमिंग बाइक्स के बारे में, जो कि आपको 2020 में इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। एंड बताने वाला हूं कि क्या कुछ इनकी प्राइसिंग होने वाली है, क्या कुछ इनकी लॉन्च डेट होने वाली है, एंड क्या कुछ जो है आपको इनमें फीचर्स देखने को मिलेगी। हर चीज़ के बारे में बात करूंगा आज की वीडियो में। सो वीडियो को जो है गाइस एंड तक देख लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। डिजिटल मीटर काफी अच्छा लगता है। सो गाइस, फर्स्ट बाइक जो हमारे पास आती है वो आती है हस्क्वर्ना की तरफ से। यहाँ पे जो है गाइस हस्क्वर्ना 200cc में भी जो है बाइक्स लेकर आने वाली है, और जो अभी मार्केट में अवेलेबल है इसके दो मॉडल, स्वर्ट प्लान और जो है विट प्लान, उन दोनों के ही जो है 200cc में वेरिएंट्स आने वाले हैं। सो गाइस, इन्हीं के बारे में जो है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो गाइस, ये जो है फेस्टिवल सीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे इंडियन मार्केट में। एंड यहाँ पे जो है गाइस, ये उसी इंजन के साथ में आने वाले हैं जो आपको ड्यूक 200 या फिर RC 200। काफी यूनिक टाइप है इसका डिजाइन। यहाँ पे आपको 199cc का, मुझे तो पसंद है, सिंगल बंदा लेकिन इसी टबल में थोड़ा मुश्किल होगा। पावर दे देगी आपको एंड जो है 19.2 Nm तक का टॉर्क दे देगा। 6 स्पीड गेयरबॉक्स मिल जाएगा, 135 प्लस हाई स्पीड मिल जाएगी, 30 से 35 तक की आपको माइलेज मिल जाएगी। लुक्स जो है यार काफी अच्छा होने वाला है। जो अभी जो आपको स्वाइट प्लान और विट प्लान मिलती है वैसा ही जो है लगभग सिमिलर लुक आपको देखने को मिल सकता है, बट जो है इंजन में आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगी। गाइस, यहाँ पे आपको कुछ न्यू कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। हेडलाइट वगैरह जो है आपको वही सेम मिलेगी, फुली LED हेडलाइट। उसमें जो आपको DRLs वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, LED इंडिकेटर्स वगैरह, LED टेल लाइट वगैरह। सो वो जो है आपको सब कुछ सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको फुली डिजिटल मीटर कंट्रोल भी मिल जाएगा, जो आपको 250cc वेरिएंट में मिलता है। गाइस, उन सबके अलावा यहाँ पे आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलेगा आपको 200cc बाइक में भी। एंड यहाँ पे गाइस, इनकी जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, सो गाइस यहाँ पे जो है 1.60 लाख जो है इसकी एक्सपेक्टेशन है। सो बाकी पता चल गया। बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में, जो सेकंड बाइक हमारे पास आती है वो आती है पाकिस्तानी 350cc जो है 300cc और 500cc दोनों में ही आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी जो है चांसेस है 300cc के। ये बाइक मस्त है, बता दूं ईयर के एंड तक आपको ये भी देखने मिल जाएगी। लगभग बुलेट निकाल लिया इसका, चेक कर, बुलेट ही है मार्केट में। एंड यहाँ पे जो है गाइस आपको बता दूं, होंडा की तरफ से जो है पहली क्रूजर बाइक होने वाली है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको इस बाइक में 286cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke FI BS यानी 300 का दो मिल जाता है। गाइस, यहाँ पे जो है आपको 32 से 35 BHP तक की पावर मिल सकती है, 25 Nm तक का टॉर्क मिल सकता है। एंड यहाँ पे जो है आपको 6-speed गियरबॉक्स इस बाइक में मिल जाएगा। गाइस, यहाँ पे आपको 30 तक की माइलेज दे देगी, हाईवे पे जो है आपको 35 तक भी दे देगी। मिल जाएगा आपको बाइक में फुली LED हेडलाइट मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर कंसोल भी मिल जाएगा, सिंगल सीट मिलती है आपको यहाँ पे। एंड बाकी आप जो है इसमें क्या मस्त बाइक है, जो सीट है वो भी आप लगवा सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस बाइक का जो प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 2.20 लाख एक्स शोरूम, बाकी ऑन रोड जो है 2,22,000 इंडियन। मतलब सो देखते हैं, होंडा थोड़ी महंगी बाइक्स देते हैं लेकिन क्वालिटी में बहुत कमाल होती है। इसी भी बात करते हैं पाकिस्तान में 4.5 लाख बाइक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आती है GPX डेमोन GR200R, जिसकी मैंने डिटेल वीडियो जो है कल ही डाली। क्या बात है, क्या बाइक है, जाके देख सकते हो। गाइस, अभी जो हम आपको शॉर्ट में इसके बारे में बताने वाला हूँ, बाकी मैं आपको बता दूँ इसके लॉन्च के बारे में। सो गाइस, ये जो है आपको सितंबर से अक्टूबर के बीच में देखने को मिल सकती है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको इस बाइक में 198cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke FI BS6 लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, 19 BHP तक की पावर, जो की काफी कम है, बट जो है आपको परफॉर्मेंस अच्छी खासी दे देगी बाइक। गाइस, यहाँ पे आपको 17.2 Nm तक का टॉर्क मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो है आपको ड्यूअल चैनल ABS भी मिल जाएगा। 140 प्लस तक की आपको हाई स्पीड दे देगी, 35 तक की माइलेज दे देगी।
इसका जो मीटर कंसोल है उसमें जो आपको काफी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो यहाँ पे जो आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि गियर, माइलेज वगैरह, रेंज वगैरह एंड जो साइड स्टैंड कंट्रोल, डीमन लिखा है, ये सब फीचर्स जो आपको पूरी स्पोर्टी टाइप लगती है। जो डिस्प्ले है, स्पोर्ट मीटर कंसोल जो डिस्प्ले है वो टीएफटी आपको डिस्प्ले मिल जाती है, कलरफुल डिस्प्ले है। एंड यहाँ पे जो है गाइस आपको एलईडी हेडलाइट मिल जाएगी, डीआरएल्स मिल जाती है आपको काफी ज्यादा, एंड यहाँ पे देखने में जो है बाइक काफी अच्छी लगती है। प्राइस प्राइस यहाँ पे जो है आपको फेयरिंग का डिजाइन काफी अच्छा लगेगा, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसको जो है इसका फेयरिंग डिजाइन अच्छा ना मुझे खुद लगा। बाकी इस भी बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, लगभग 1.80 लाख जो है एक्सपेक्टेशन हमारी, बाकी लगभग जाने वाली है। आपको जो है एक और वीडियो देने वाला हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए इस बात करते हैं फोर्थ बाइक के बारे में। फोर्थ बाइक के बारे में बात करते हैं, ये जो बाइक है काफी दिनों से वेट करा रही है, पता नहीं यार ये बाइक क्या करके मानेगी। मतलब जो है इतनी बार तो टेस्टिंग पे देखी जा चुकी है, इनफिनिटी जो है कंपनी ने इसका कोई भी अपडेट नहीं दिया था, रॉयल इनफिनिटी। लेकिन फाइनली जो है इसमें आपको बता दूं इसी महीने में आपको बाइक देखने को मिल जाएगी। बाइक का नाम तो बता देगा, इसमें आपको बता दूं रॉयल एनफील्ड की मेटियोर 350 जो है आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो है आपको पता है कन्वर्ट करके जो है मेटियोर 350 जो है आने वाली है। सो यहाँ पे जो है गाइस आपको 346 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक FIBS एयरकूल्ड इंजन मिलने वाला है, 19.1 BHP की पावर, 28 न्यूटन मीटर्स का जो है टॉर्क मिल जाएगा, परफॉर्मेंस दे जाएगा। एंड यहाँ पे जो आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलेगा, 30-35 तक की माइलेज दे देगी, हाईवे पे जो है आपको 40 भी टच करा सकती है। यहाँ पे आपको 120 तक की हाई स्पीड दे देगी, ड्यूअल चैनल ABS मिल जाएगा आपको इस मेटियोर 320 हाई स्पीड, आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी खासी मिल जाएगी। एंड बाकी गाइस जो है यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाएंगे इसके फ्रंट हेडलाइट में, हालांकि आपको इसमें हेलोजन हेडलाइट मिलती है लेकिन जो है आपको राउंड शेप की जो है DRLs यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस लुक जो है बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट है, कम कर दी जाएगी जो पहले इसकी सीट हाइट आती थी पिलियन की, उसको जो थोड़ा सा कम करके और जो है पीछे से मतलब लुक्स थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, बैठेगा बाइक का लुक्स और अच्छा आने वाला है। इस आपको भाई हमारे यहाँ तो 5-5, 6-6 बंदे बैठे आपको जुलाई में ही देखने वाली है, आपको जो है जुलाई के मिड तक ये बाइक देखने को मिल जाएगी। वैसे आपको बता दूं इस बाइक में जो है कुछ कॉस्मेटिक LED हेडलाइट वगैरह मिल जाएगी आपको इस बाइक में, इसका जो इंजन है उसको भी चेंज किया जाएगा। यहाँ पे जो आपको पावर एंड टॉर्क जो है थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती है, हालांकि टॉर्क आपको सेम ही देखने मिले बट पावर यदि वो चेंज कर दिया, यदि आपको TFT डिस्प्ले इसमें दे दिया गया तो यहाँ पे जो प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और ऐसा करना जो है शायद बेवकूफी होगी। और यहाँ पे जो है इसके जितने भी कंपटीटर्स है वो इससे काफी कम प्राइस में आएंगे, मतलब जो है ये काफी महंगी हो जाएगी। सो गाइस मेरे को लग रहा है ज्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, ओनली बेसिक चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डिजिटल मीटर भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी, प्राइसिंग जो है लगभग 10-20 हज़ार बढ़ने वाली है जो कि नॉर्मल है यार कावासाकी के लिए। सो यहाँ पे गाइस यही कुछ बाइक्स थी, यही कुछ 5 बाइक्स थी जिनके बारे में आपको बताना, कोई भी डाउट्स हो आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर मारडी ब्लॉग सैमसंग आईडी है वहां पे। और इसी के साथ यार ये वीडियो खत्म, तो आपको यहाँ पर अभी आते हैं हम अपने काम पे। तो यार बजाज तुझे कौन सी बाइक अच्छी लगी है बता यार? सारी बहुत आर्ट थी यार, बहुत आर्ट थी मुझे कावासाकी रॉयल एनफील्ड और वो होंडा की बुलेट, मैं कहता हूँ वो मुझे। और डिमोन भी बहुत अच्छी थी यार, डिमोन को नहीं इग्नोर डिमन बे, हाँ चल बे वो भी क्या नाम था, तूने डबल ओ पढ़ा क्या? हाँ क्या था मतलब डीमन था, डीमन था एक हो था। अच्छा चल जो भी है चल डीमन हो गया वो भी बहुत अच्छी थी, उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए यार उस वाली बाइक को, बहुत मस्त थी ना, बाकी फुल स्पोर्टी टाइप वो लुक था मुझे वो भी काफी यार, मतलब क्या बोलूं यार एक से एक डिजाइन था, मतलब जिसको देखते थे वो फर्स्ट वाली भी कितनी प्यारी, बहुत प्यारी, जिसको हम देखते थे सीरियसली यार उससे प्यार हो जाता। वालों मजे करके आप लोगों को सस्ते में बाइकें वहां पे मिल रही है और हर एक बाइक अवेलेबल है, अगर यहाँ से स्पेशली कराना चाहो तो वो तो फिर इम्पोर्ट करानी पड़ती है, मतलब पाकिस्तान में मोस्टली आती नहीं है। हाँ इस तरह की नहीं आती है, अलबत्ता स्पोर्ट्स बाइक हो गए सुजुकी के ये वो, तो वो सुजुकी होंडा के मिल जाते हैं, ये कावासाकी निंजा इम्पोर्ट करानी, हाँ ये इम्पोर्ट्स करानी पड़ती है, पका है भूसा वाया भूसा तो शोरूम में खड़ी रहते हैं, मतलब
जो सुजुकी होंडा यामाहा इसकी काफी है, मतलब कावासाकी है तो बिल्कुल नहीं, डेमन जो था वो भी नहीं है पाकिस्तान में बिल्कुल। और मतलब जिस तरह बाहर की कंट्रीज स्पेशली लॉन्च करती हैं मतलब इंडिया के लिए या इस तरह की बाइक्स, तो बहुत अच्छी चीज है। और नॉर्मल और एक और बात ये बतानी है आप लोगों ने कि ये बताना है कि मतलब आप कौन सी बाइक यूज कर रहे हो, अभी कौन सी यूज कर रहे हो या फ्यूचर में इनमें से कौन सी बाइक लेने लगे हो, वो लाजमी कमेंट सेक्शन में हमें बताना, हमें यही लाजमी बताना है, हर हाल में बताना है। वही ना यार, ये जो रॉयल एनफील्ड की है बहुत यूनिक डिजाइन ही है इसका, है ना, काफी वो मतलब के येलो, येलोइश टायरों में भी येलो थे, मतलब रॉयल एनफील्ड का फिर अपना यार वो है डनका जो कोई नहीं तोड़ सकता, रब से ज्यादा रॉयल एनफील्ड है। और वो मतलब पीछे से सीट कटा के कम कर दी है तो मतलब जो पीछे बैठे ना वो कम बैठेगा। गोलमाल मूवी याद है उसमें पांच पांच बैठे होते तो वही ना। तो यार आप बताना मतलब कौन सी बाइक लेने लगे, तो यहीं पर चलते हैं यार, यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, मत करते हैं, आपको वीडियो पसंद आई होगी। सही है ना बोलना। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल।